नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राजधानी भोपाल से आपको बता दें, राजधानी में गोलीकांड। सिक्योरिटी गार्ड ने अपने ही सुपरवाइजर को गोली मार दी। घायल सुपरवाइजर की इलाज के दौरान मौत हो गई है। सैलरी काटने को लेकर गनमैन ने दागी दो गोलियां। एमपी नगर थाना के यूनियन बैंक के पास निर्माण सदन का मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां गोलीकांड हुआ है। सिक्योरिटी गार्ड ने अपने ही सुपरवाइजर को गोली मार दी है। इलाज के दौरान सुपरवाइजर की मौत हो गई। सैलरी काटने को लेकर यह पूरा मामला बताया जा रहा है। गनमैन ने दो गोलियां सुपरवाइजर पर चलाई। इलाज के दौरान सुपरवाइजर की मौत हो गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे, हमारे साथ संवाददाता नावेद खान जुड़ चुके हैं। नावेद, सैलरी काटने को लेकर पूरा विवाद हुआ, गार्ड ने सुपरवाइजर को गोली मार दी। ताजा जानकारी ये मिली है कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है, क्या है जानकारी? बिल्कुल, देखिए ये जो पूरा मामला है ये सुबह का है। प्रेस कॉम्प्लेक्स स्थित जो यूनियन बैंक के पास का पूरा मामला है। मौके पर जो है तत्काल पुलिस पहुंच चुकी थी और फिलहाल जो है अभी पूरे मामले की जांच की जा रही है। बताया सिर्फ यही जा रहा है कि गार्ड ने एक दूसरे को गोली मारने की जो बात है उसकी असल वजह जो है तनख्वाह को लेकर है, और दोनों एक दूसरे से काफी दिनों से इस बात को लेकर बहस भी कर रहे थे, जिसके बीच जो आज सुबह इस तरह की घटना हो गई। जी, फिलहाल क्या कार्रवाई कर रहा है प्रशासन? बिल्कुल, देखिए एमपी नगर पुलिस पहुंच चुकी थी, सुबह से ही यहां मौजूद है और तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है। परिजनों को जो है बुला लिया गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि किस तरह से इस घटना को इन दोनों ने अंजाम तक पहुंचाया है। हालांकि जो है पुलिस फिलहाल कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। मामला जो है शाम तक स्पष्ट हो सकता है। जी चलिए नवेद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो राजधानी में गोलीकांड, गार्ड ने सैलरी काटने को लेकर सुपरवाइजर की हत्या कर दी, दो गोलियां दागी, इलाज के दौरान सुपरवाइजर की मौत हो गई है। सैलरी काटने का यह पूरा विवाद बताया जा रहा है। एमपी नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, मामले की तफ्तीश की जा रही है।